आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 20 जनवरी के ईश्वर प्रदान की। आपको क्या शायद से पता भी हो या ना भी पता हो, या कभी आपने ऐसे फेस भी करी सिचुएशन की आपको बोलना नहीं चाहिए था, हंसी मजाक करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो सिचुएशन जो थी उस समय आपको तो लग रहा था कि हाँ जो कर सकते, लेकिन औरों के लिए शायद से वो चीज नहीं थी। और वो इंसान जो उस चीज के थ्रू जा रहा था, आपने लाइट हार्टेड होके मजाक तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं थी कि वो उसको लाइट हार्टेड ले पाए, और उसने उस चीज को बुरा मान लिया। और लोगों ने भी आपको फिर धिक्कारा कि आप कुछ ज्यादा ही बोलते हो। होता है ना हमारे साथ में कभी कभी, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम एक लाइन को क्रॉस करते हैं जिसको कहते हैं मर्यादा। तो वो मर्यादा को कैसे समझे, आज परमात्मा हमें यही चीज समझाते हैं कि रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले, रूहानियत मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ रमणीकता मतलब कि लाइट हार्टेडनेस हंसी मजाक में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भवा। तो ये बैलेंस में चलना है इस लाइफ को लेकर के। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। हंसी मजाक करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को चिढ़ाना, हंसना किसी की गलती पर, किसी के गलत सोचने पर, या किसी के बहुत ही नेगेटिव तरीके से सोचने पर भी कभी अगर आप हम हंस जाते हैं, या किसी की सिचुएशन को ना परखते हुए अगर हम हंस जाते हैं या उनका मजाक उड़ा देते हैं, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं, और कभी कभी हम वो लाइन को पार कर जाते हैं। होता है हर एक के साथ, हर एक ने अनुभव किया है। तो इसके बारे में परमात्मा समझाते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है कि अगर आप हल्के होते हो, हर एक को हंसाते हो, लाइट हार्टेड करते हो, लेकिन वो अच्छा होता है। लेकिन किसी और व्यक्ति के कंधे पर गोली चला कर नहीं, किसी और को टारगेट करके नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं हुई फिर कि आपने किसी एक का मजाक उड़ाया, सबको हंसाया आपने, और किसी की एक की गलती या किसी एक ने कुछ गलत कर दिया एक्शन और उसका आपने मजाक उड़ा दिया सबके सामने। तो कहीं ना कहीं हम किसी को अगर हम हर्ट कर देते हैं तो फिर हम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते, मतलब कि हमारे अंदर वो विजडम नहीं है कि कहाँ पे कितना बोलना है, किस समय बोलना है, किस सिचुएशन में बोलना है, किस सिचुएशन नहीं बोलना है। तो आज परमात्मा कहते हैं वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति समय क्या है, वो ये ठीक टाइम है, संगठन कौन लोग बैठे हुए आसपास, उनके सामने मुझे कैसे पेश आना है, संगठन स्थान देख करके, आप किसी के डेथ उस पर गए हुए, एनिवर्सरी गए, आप अपने दो फ्रेंड्स गए हुए साथ में, लेकिन आप उसमें खुश खुश कर रहे हो, किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हो, फल उस सिचुएशन के बारे में नहीं कर रहे हो, किसी और सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, आप फल तो आप हंस रहे हो, तो लोग क्या समझेंगे, लोग ये नहीं जानते कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, लोग समझेंगे आपको इतनी समझ नहीं है कि ये सिचुएशन क्या है, यहाँ पर लोग कैसे है। तो हमें बहुत कुछ देख कर भी करना पड़ता है, राइट। तो स्थान देख करके, वायुमंडल देख करके, उस एरिया का वायुमंडल क्या है, उसमें किस लिमिट तक आप मजाक उड़ा सकते हो या हंसी कर सकते हो। मजाक उड़ाना मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना मतलब कि कोई भी चीज में, सिचुएशन में अगर हम बहुत सीरियस हो जाते हैं सब लोग मिलकर के, उसको हल्का कर देना। परमात्मा कहते हैं यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। अगर आपने मजाक उड़ा दिया, आपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को लाइट हार्टेड करने की कोशिश करी, लेकिन आपने गलत तरीके, गलत वर्ड्स यूज कर लिए, ज्यादा कह दिया, तो फिर उसको हम रमणीकता नहीं कहेंगे। हो सकता है एक दो लोग हंस भी लें, लेकिन ओवरऑल बाकी लोगों का क्या। तो परमात्मा कहते हैं नहीं गिनी जाएगी। सर्टिफिकेट मिलेगा कि यह हंसाते बहुत अच्छा है, जो आत्माओं को आपके लेवल का समझ आता है कि क्या फर्क पड़ता है किसी को क्या लगे क्या ना लगे, लेकिन मैंने लोगों को तो हंसा दिया। हमें यहाँ पर कोई कंपटीशन करने नहीं आए और उनको हंसाने का सर्टिफिकेट तो नहीं लेना है हमें, राइट। लेकिन हमें किसी सिचुएशन को लाइट कैसे करना है, उसको हमें समय, व्यक्ति देख करके, और साथ में वायुमंडल क्या चल रहा है, हर सिचुएशन को परख करके हमें अपने शब्द को नाप तोल करके बोलना बहुत जरूरी है, इसमें कोई हर्ट ना हो जाए। हाँ, आपने 10 लोगों को हंसा दिया, लेकिन एक इंसान अगर हर्ट हो गया तो फिर वो रमणीकता नहीं है, वो आपकी रॉयल्टी नहीं है, वो स्पिरिचुअल मेथड नहीं है। परमात्मा कहते हैं जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि यह है हंसाते बहुत है लेकिन बोलते बहुत हैं। तो कुछ बोलेंगे हंसाते बहुत है लेकिन यार बोलते बहुत हैं, कब चुप नहीं रहते हैं। इसलिए हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो। अगर आपने किसी को लाइट हार्टेड बनाने की कोशिश भी करनी है तो उसमें उसका फायदा हो, उसको यह ना लगे कि आपने उसकी इंसल्ट कर दी सबके सामने, ये फिर रमणीकता नहीं हुई। औरों को हंसी तो आ गई लेकिन उस आत्मा को अगर
इंसल्ट फील हुई और उनको हंसी आई तो वो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट नहीं होगा। परमात्मा कहते हैं सब सीमा के अंदर बोल हो तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। एक सीमा तक आपने कुछ कहा लाइट हार्टेड करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई अगर मजाक उड़ाता है तो फिर एक मजाक उड़ाया लोग हंसे उसको जोश चढ़ जाता है, फिर वो दूसरा मजाक उड़ाता है और हंसते हैं लोग, फिर तीसरा चौथा, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब मर्यादाओं को पार कर दिया है लकीरों को और हमने किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है, या हमने उस सिचुएशन में जो आजू बाजू बैठे थे कुछ लोग जो नहीं हंस रहे हैं उनको बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। ये चीज बहुत समझ से हमें समझनी चाहिए, और हम जब मेडिटेशन करते हैं स्पिरिचुअलिटी के लाइन में चलना शुरू करते हैं तो हम थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल लाइफ में होते हैं तो हमें पता नहीं होता है हम किस मूड में हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं होती परमात्मा की, और हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत बोल बैठते हैं, अपने मन की बात बोल बैठते हैं लेकिन सिचुएशन और लोगों को देखे बिना। तो ये मर्यादा नहीं हुई, ये रॉयल बिहेवियर नहीं हुआ। तो ये होता कैसे है, क्योंकि इस चीज को सिखाने के लिए आज दुनिया में लोग लाख लाख रुपए लेते हैं, हजारों रुपए लेते हैं आपसे कि आप एक कैसे अच्छे लीडर बनो, लीडरशिप क्वालिटीज के लिए ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं आज, ये पैकेज होता है। लेकिन परमात्मा हमें ब्रह्म कुमारी इसमें इसको फ्री में सिखाते हैं, क्यों फ्री में, क्योंकि ये परमात्मा की क्वालिटी है, इसके ऊपर कोई प्राइस टैग लगाया नहीं जा सकता। ये आप भी सीख सकते हैं आकर ब्रह्म कुमारी इसमें आकर के, और आप भी अपने आप को हल्का कर सकते हैं और अपने घर के माहौल को हल्का कर सकते हैं, लोगों को हल्का कर सकते हैं, जॉब के माहौल को हल्का कर सकते हैं, बिजनेस के माहौल को हल्का कर सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।